धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन तीनों भ्राताओं से अधिक संकट सृष्टि को उनके अधर्मी पिता तारकासुर से है। देव ऋषि, यदि वो तीनों ये समझते हैं कि उनके बिना मैं अकेला हूँ तो ये उनकी त्रुटि है। मैं अकेला ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाऊंगा और अपने काल का अंत मैं ही करूंगा। पिताश्री का वध हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब उनके हाथों अधर्म होगा महादेव, क्योंकि अब वो असुरों के राज्य का विस्तार करने जा रहे हैं और उनके पतन का कारण मैं बनूंगा। हे वामन, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे अग्निदेव, कहीं कोई भविष्य में इनका वध तो नहीं करेगा? और यदि करेगा तो वो कौन होगा? महादेव, तुम्हारा जन्म तीनों लोकों में राज करने के लिए हुआ है। अब ना कोई देवलोक होगा ना कोई पाताल लोक। दाऊ, हमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। आज हमें महादेव को परास्त करना होगा। इस उगते हुए सूर्य के समक्ष हम ये प्रण लेते हैं कि सूर्य के अस्त से पूर्व हम महादेव का अंत कर देंगे। हमें इन तीनों के राज्य को एक रेखा में लाना। हमारे पास समय बहुत अल्प है भ्राता। भ्राता वासुकी, हमें अब अपना कार्य करना होगा। अवश्य भ्राता। तुम्हारी मृत्यु तारकासुर पुत्रों के हाथों होगी। विद्युन्माली, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं?
हमारे राज्य एक दूरी पर एक दिशा में कैसे आ गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। किसने किया ये अनर्थ? वासुकी और शेषनाग ने तीनों राज्यों को एक दिशा में लाकर सराहनीय कार्य किया है। अब महादेव की विजय में कोई संशय नहीं है। पूर्णिमा की रात्रि समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। यदि इन क्षणों में हमने अपनी रक्षा कर ली तो हम सहस्त्र वर्षों के लिए अमर हो जाएंगे। किसी भी भांति हमें अपनी रक्षा करनी होगी। किंतु अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। त्रिदेव, मैंने आप पे संदेह किया, व्यग्रता में ये भूल गया था कि आपकी लीला अगाध है। आपने सदैव सृष्टि के कल्याण का प्रयास किया। मेरा भ्रम अब नष्ट हो चुका है। महादेव, अब समय आ गया है। उठाइए धनुष और चढ़ाइए प्रत्यंचा। अधर्म का साम्राज्य आपके समक्ष है। महादेव को अपने लक्ष्य तक हम किसी भी प्रकार नहीं पहुंचने देंगे। विधि के विधान के अनुसार अधर्म का नाश कर ही दिया महादेव, और आपने अपने भक्तों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया। आप धन्य हैं महादेव। सृष्टि को असुरों से भयमुक्त करने के लिए हम सभी देव आपके आभारी हैं महादेव, और आपके साथ ब्रह्मदेव और नारायण के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। नारायण नारायण। अब हमें आज्ञा दे प्रभु। नारायण। ये स्वर कैसा? अनर्थ, घोर अनर्थ, पुनः असुरों का आक्रमण। किंतु
किंतु कौन हो सकता है ये? क्या कृष्ण यही निवास करता है? हाँ महाबली, कृष्ण का यही निवास स्थान है। जब तक घर में खलबली नहीं मचती, तब तक चूहा बिल से निकलता नहीं है। कहाँ है तू कृष्ण? मैं आ गया हूँ। काना, ये कैसी ध्वनि है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें ललकार है। कौन है पुत्र? पता नहीं मैया, किंतु आप चिंतित मत होइए, मैं अभी पता करके आता हूँ। नहीं नहीं काना, तू कहाँ जा रहा है? मैं अभी सेवकों को भेजकर पता लगवाती हूँ। काना, 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 किसी असुर ने वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। क्या आक्रमण? नहीं काना, मैं तुम दोनों को बाहर नहीं जाने दूंगी। बाहर संकट है, तुम दोनों नहीं जाओगे। मैया, तो क्या आप चाहती है कि गांव वालों को वो राक्षस हानि पहुंचाए? नहीं काना, किंतु श्री हरि हैं हमारी सहायता के लिए। उन्होंने सदैव हमारी सहायता की, वो इस बार भी हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अब आपको कैसे समझाए मैया, काना ही श्री हरि है, उन्हें आपने नहीं भेजा तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अग्नि हर स्थान पर फैल गई है, हमें शीघ्र से शीघ्र यहाँ से बाहर निकलना होगा। शीघ्र करो, चलो दादा। तू बाहर नहीं आएगा ना कृष्ण? मता, मैं सारे वृंदावन वासियों के प्राण लेकर चला असुर लोग, और यदि संध्या होने से पहले मैंने इनके प्राण नहीं लौटाए तो तू ही इनकी चिता में अग्नि देगा। कि महाराज, इसकी शक्ति सबकी सांसें अपने भीतर समा लेता है। इन्हें बचाने कृष्णा को बाहर आना ही होगा। मैया, मैया उठिए ना, क्या आपको क्या हो गया? मैया उठिए, मैया उठिए ना। राधा, राधा, राधा उठो ना, उठो राधा। ये सब क्या हो गया काना? अब क्या? अब क्या जाऊ, हमें संध्या तक इन सभी गांव वालों के प्राण लौटाने होंगे, और इसके लिए
हमें असुर लोक जाना ही होगा दाऊ। कान्हा, दूसरा प्रहर प्रारंभ हो गया है। हाँ दाऊ, आप उचित कह रहे हैं। हमारे पास समय अधिक शेष नहीं है। गुरुदेव कौन है, ये कहां से आया है, मुझे शीघ्र बताइए। अरुणासो, जब विश्वरूपा और त्रिपुरासुर के वध के पश्चात सारे असुर मेरे समक्ष आए तो मैंने अरुणासुर को नया असुरपति बनाया। प्रणाम महाबली अरुणासुर, हम दानवों की रक्षा कीजिए। हम आपके समक्ष आग्रह लेकर आए हैं। तारकासुर के पुत्रों के अंत के पश्चात हमारी सेना का सामर्थ्य क्षीण पड़ता जा रहा है। हमारी असुर सेना का नेतृत्व करने के लिए आपकी आवश्यकता है। का दूसरा नाम असुर है। यदि हम किसी के भय से कांपने लगे तो इस सृष्टि से हमारा भय समाप्त हो जाएगा और तुम असुर होकर स्वयं भयभीत हो रहे हो। इससे तो अच्छा है कि मैं तुम्हें अभी इसी क्षण मार दूं। उचित कहा अरुणासुर। आचार्य शुक्राचार्य प्रणिपात। अरुणासुर, 30,000 वर्षों की घोर तपस्या से प्राप्त सिद्धियों का उपयोग करने का उचित समय आ चुका है। तारकासुर की मृत्यु के पश्चात इंद्र को यह भ्रम हो गया है कि वो हम असुरों को अपनी शक्ति से भयभीत कर सकता है और पृथ्वी पर विष्णु कृष्ण अवतार लेकर असुरों का रहना धूबर कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि असुर साम्राज्य तुम संभालो और उस इंद्र के साथ साथ उस विष्णु अवतार कृष्ण को भी उसकी सीमा का उल्लंघन करने का दंड दो। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। मैं इस सृष्टि पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करूंगा और फिर ये इंद्र का स्वर्ग हो या कृष्ण का वृंदावन, मैं इन देवों की सत्ता का अंत कर दूंगा, अंत कर दूंगा। गुरुदेव अद्भुत, इसे तो कृष्णा को मारने के लिए पहले ही भेज देना चाहिए था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्णा का अंत कर देता है। ब्रह्मदेव, आपका वरदान पाकर अरुणासुर ना केवल पृथ्वी अपितु सारे लोक में असुर राज स्थापित करने की मंशा रख रहा है। हाँ महादेव, परिस्थितियां तो सदैव आती ही रही हैं, किंतु इस बार मेरा वरदान इस सृष्टि में असुर राज स्थापित करने में कारगर होता दिख रहा है। अरुणासुर, यह क्या किया तुमने? मारना तो तुम्हें कृष्णा को था। ये देखिए गुरुदेव, इस गोले में बसे हैं कृष्ण के प्राण। अब इसे बचाने के लिए कृष्ण आएंगे और अपने प्राण देकर जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। किंतु कृष्णा को काम मांगना उचित नहीं अरुणासुर। जानता हूं गुरुदेव, इसीलिए कृष्ण के मार्ग में कई और
विघ्न उत्पन्न करके आ रहा हूँ। मुझे उस समय की प्रतीक्षा है जब मैं अपने नेत्रों के समक्ष उस कृष्णा को तड़पता हुआ देखूंगा। परंतु समय की प्रतीक्षा मैं नहीं करूंगा। मैंने पद संभाला है असुरों के शत्रुओं का नाश करने के लिए। कृष्ण का अंत निश्चित है। मैं अभी उसका नाश करने वाला हूँ जो देवों के राजा बनने के दम में बैठा है। मैं यहाँ कृष्ण का अंत करूंगा और मेरा अंश इंद्र का। तो इस कार्य में विलंब ना हो। जो आज्ञा गुरुदेव। नारायण नारायण प्रभु, ये कुआं पाताल लोक जाने का मार्ग है। इससे आप सीधा असुर लोक पहुंच जाएंगे प्रभु, असुर लोक। किंतु सावधान प्रभु, मेरी मैया के प्राण राह पर हैं और मैं उनकी रक्षा के लिए यदि मुझे मेरे प्राण देने पड़े तो मैं उसे भी निसंकोच दूंगा। मुझे ये प्रयत्न अपनी मैया के लिए करना ही होगा। धन्यवाद नारद मुनि। धन्यवाद प्रभु। तारकासुर के पुत्रों का अंत मैं स्वयं कर चुका होता, किंतु ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान के कारण मुझे त्रिदेवों की सहायता लेनी पड़ी, जिस कारणवश इस कार्य में इतना विलंब हुआ। इंद्र, तेरा काल तुझे ललकार रहा है। देवराज इंद्र बने रहना, अब तुम्हारे भाग्य में नहीं है इंद्र। तुम्हारी मृत्यु बनकर अरुणासुर आ चुका है। इतिहास की जानकारी रखना कभी कभी लाभदायक होता है अरुणासुर। जिस जिस राक्षस ने आज तक इंद्रलोक पर कुदृष्टि डाली है उसकी आंखें सदा के लिए बंद कर दी गई हैं। चाहे वो तारकासुर हो या त्रिपुरासुर, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ तक खींच कर ले आई है। स्वर्ग के द्वार से नरक के द्वार तक जाओगे तुम। मेरी मृत्यु, मुझे मारने वाले का जन्म अभी तक नहीं हुआ है इंद्र। तुम्हारे अहंकार को अब इंद्र तोड़ेगा। Ha 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 ha
मैंने अरुणासुर को मार गिराया। मैं जीवित हूँ इंद्र। क्योंकि मैंने अब तुम्हारे वज्र को स्पर्श कर लिया है, तुम्हारी वज्र अस्त्र की शक्तियां मुझ में आ गई हैं। वज्रासुर मेरी ओर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तुझे मेरी शक्ति का परिचय तो हो ही गया होगा। मेरे अगले प्रहार से तेरा अंत निश्चित है। इंद्र, तू ये मत समझना कि तू मेरे हाथों से बचकर निकल गया। तुझे और विष्णु अवतार कृष्ण को मेरे हाथों मरना है, मेरे हाथों। तुम दोनों को अभी कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। हे हरि, इन्हें क्या हो गया? हे श्री हरि, हमारी सहायता कीजिए। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? अरुणासुर के मृत्यु है हम। तुम मेरा सामना तो कर नहीं सकते, अरुणासुर से क्या लड़ोगे? देखो, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। कायरों की भांति बात ना करो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें सचेत नहीं किया। मानना पड़ेगा कृष्ण, वृंदावन वासी तुम्हें बड़े प्रिय हैं। उन्हें बचाने के लिए तुम स्वयं मृत्यु के मुंह में आ गए। समय से अधिक ये कौन जानता है कि किसकी मृत्यु कब होगी? समय, समय से स्मरण हुआ, समय कम शेष है कृष्ण। आओ, तुम अपने प्रिय वृंदावन वासियों के प्राण मुझसे लौटा लो। परंतु क्या तुम उस तक पहुंच पाओगे?
हिलाओ बलराम, अपने हाथ पांव हिलाओ। ये दलदल है, जितना हिलोगे उतना धसोगे, और अगर नहीं हिलोगे तो मुझ तक कैसे पहुंचोगे? राधा, राधा उठो राधा, राधा बिटिया, मैं शीघ्र ही वैद्य जी को लेकर आता हूँ। शीघ्र कीजिए। नारद मुनि ने कहा था ना, सावधान प्रभु, अंधासुर के नगरी के द्वार में प्रवेश करते ही आपकी समस्त दैविक शक्तियाँ कार्य नहीं करेंगी प्रभु। अब हम क्या करेंगे कान्हा? शक्ति से श्रेष्ठ युक्ति होती है दाऊ। कोई युक्ति काम नहीं करेगी कृष्ण। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि तुम विजय हुए, तुम हम दोनों को बंदी बना लो अरुणासुर। बहुत सुना था तुम्हारे बारे में कृष्ण, परंतु तुम में तो कुछ भी वैसा नहीं है कृष्ण। अभी अरुणासुर ही हमें मार्ग देगा, इसके पाश के कारण अब दलदल में फंसोगे नहीं। सचेत रहना दाऊ। अब तुम क्या करोगे कान्हा? वही जब एक बिल्ली डूबने के बाद करती है। बाधा पार कर दी, परंतु कृष्ण मेरे समक्ष आने के लिए अभी कई बाधाएं शेष हैं। नारायण नारायण, ये क्या समय निकला जा रहा है, सभी की सांसें पुनः वापस नहीं लौट आई तो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। नारायण नारायण, अब क्या करेंगे कान्हा? मन है दाऊ, कैसे लटमार होली के समय हम गोपियों की लाठी से बचते थे।
इससे तो बच गए, परंतु आप नहीं बचोगे। अब क्या करेंगे कान्हा? राव, सबसे पूर्व हमें इन जानवरों की शक्ति का अनुमान लगाना होगा। हाँ जाओ। अगर धरती पर होता तो एक ही क्षण में इनका अंत कर देता, परंतु हम नहीं है धरती पर। हमें इसका समाधान अभी और यही निकालना होगा, वरना हमारा अंत हो जाएगा। दाऊ, आज तक कोई भी आहत नहीं कर पाया। कृष्णा, अब मेरा चक्रवात तुम्हें समाप्त करेगा। राव, मन रहे कि चक्रवात धीरे धीरे ऊपर लेता है और धीरे धीरे नीचे खींचता है। बाधाएं तो पार कर ली कृष्णा, परंतु मुझे कैसे पार कर पाऊंगी?